Bapri. How many times I have to tell you? Call me Cuckoo. Oh, Cuckoo से कुशल बनाने के लिए तो यहाँ लाया हूँ. Daddy, मुझे ये साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है. I want my shorts right now. ओ माँ, मरवाओगी क्या? कुछ समझो. जुए में शर्त हारने के बाद यहाँ खुले घूम रहे हैं तीन बैल. पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तुम्हें सींग न मार दे. Do you mean bulls, Dad? Yeah, mean bulls, Dad. इतना एक्सेंट मत मारो, मुझे मरवाओगी. Hey, गुना. जी पापा. लग्न पत्रिकाएं लेके कौरवपुरम के एक एक घर में जाके बांट दो. समझो, बट गए. मैं आ गया. कब से तुम्हारा इंतजार था, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? गणेश जी के बाद पहला कार्ड मुझे मिला. मैरिज ग्रैंड सक्सेस. आजकल कौन सी किताब लिख रहे हो? कुछ दिन पहले आई लव माई युगांडा इस नाम की किताब मैंने पढ़ी, उसी से आइडिया चुरा कर आई लव माई इंडिया लिख डाली. ये तो मेरे जीजा जी है. तुम्हारी बेटी कहाँ है? कन्याकुमारी कुशल कुमारी, मामा श्री बुला रहे हैं. इसका तो वस्त्र हरण हो गया. ला 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 ला। अरे ये कोई ड्रेस है? तुम्हारी साड़ी कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी. इट्स टू हॉट. पहनने में एक घंटा लगाया, उतारने में एक मिनट. इंसान के वस्त्रों से क्या फर्क पड़ता है? बेटी बहुत सुंदर है, गुनाह से शादी कर सकती है. बस एक बार छोटे बेटे की शादी हो जाने दो. या फिर मुझसे भी शादी कर सकती है. यहाँ साले साहब, प्लीज आपका निर्णय मत बदलना, आपसे भीख मांगता हूँ. पहली बार जब लड़का इसे देखने आया उसी वक्त हार्ट अटैक से मर गया. दूसरे लड़के से कुंडली मिलाई तो उसे लकवा मार गया. तीसरा एक्सीडेंट से मर गया. चौथे को एड्स हो गया. हाँ भर के आपने इसकी लाइफ संवार दी. दोनों गधों में से कोई भी चलेगा. कहाँ गए दोनों दूल्हे? घोड़ी चढ़ने से पहले ही भाग गए. आहा, देशी संस्कृति के असली प्रतीक देखो. आधे चंदा मामा, कौन है ये महापुरुष? घर के सारे संकट दूर करने वाले ज्योतिष महाराज और उनके असिस्टेंट. तस्मै जागृता. शुभ प्रभात, नमस्कार. मेरा नाम है बापुरे. आप ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं. नौ ग्रहों की मरम्मत और देखभाल करते हैं. इसके लिए आपने कौन से ग्रंथ पढ़े? कौन कौन से मंत्र रटे? इस ज्ञान से हमें लाभान्वित करें. युमिन शास्त्र. हाँ. मंत्र. हाँ. सब जानना चाहिए. अवश्य. कान साफ कराए ना बापू. जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं बेटा, वो आईएएस आईपीएस टॉप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनते हैं. और जो सेकंड क्लास में पास होते हैं वो एमबीए करके मैनेजर्स बनते हैं. फर्स्ट क्लास पास को कंट्रोल करते हैं. और थर्ड क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स पॉलिटिशियन बनके सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वालों पे राज करते हैं. और जो अंगूठा छाप होते हैं वो गुंडे या तो डाकू बनते हैं. वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी क्लासों पे राज करते हैं. और बापू रे, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे लोग हैं यानी हम जैसे संत महात्मा जिनके पैरों के नीचे सारी क्लासेस लगती रहती हैं. कितने ज्ञानी हैं. अच्छा? आप कितने महान हैं. दुनिया की हर डिग्री आपके लिए तुच्छ है. धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो. आधे चंदा, चलो. एक बात ध्यान में रख, इस पौने पांच फुट की आफत से बच के रहना. ठीक है बापू. नाइस चिकन, टेस्टी. वाह वाह, देशी दाल, देशी पनीर, देशी पुलाव, देशी अचार. क्यों भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया सत्य कुमारी. ये स्वादिष्ट भोजन बनाया मैंने और चंगू बंगू ने. आइए, ये ग्रह राजा हैं. तथास्तु, तथास्तु. और वो उपग्रह राजा. गुरुजी, कितने शुद्ध देशी नाम है ना. कुशल कुमारी, ग्रह राजा जी, विवाह हो गया? बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ बच्चा. इसका कोई खास कारण? ये सब बातें खाने के टेबल पर नहीं पूछी जाती गधे. सुबह खेतों में मिलोगे तो बताऊंगा कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया. डैड, ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य यानी जब हमारे शरीर के अंदर से इच्छाओं के बुलबुले उठने लगे तो उन्हें तप के इनों से दबाकर वश में कर लेना. इसलिए ये महापुरुष है. क्या तुम भी ब्रह्मचर्य हो? अपनी मूर्खता भरी बातें बंद कर, ये विलायतीपन छोड़ दे. मेरी शादी हो चुकी है. ओ, जानकर खुशी हुई. आपके पति कौन है? यही तो है. क्या माजरा है? अभी अभी तो इन्होंने कहा कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं. ये मेरे पति जैसे दिखते हैं. वो तो फॉरेन में वड़ा पाव बेचते हैं. ओहो, ये बात है. मेरे ऊपरी माले को झटका लग गया था. देखा बेटी, इनके पति परदेश में है फिर भी कितनी कमनीय है. ये है देशी नारी का संयम. अगर कोई फिरंगन होती तो खप 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 खा खा के मोटी हो चुकी होती. फॉरेनर्स के लिए आपकी ऐसी सोच कैसे बनी? ये छह फुट लंबा देशी पहलवान कौन है? ओए, गैम्बलर गोपी. ओ साले साहब को हराने वाले गोपी तुम ही हो. उन्हें हराने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हुआ तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ. जुआ खेलना भुला देता. अरे आप उंगली क्यों कर रहे हो, मतलब पकड़ रहे हो? किसी पर उंगली उठाओगे तो चार ही बचेंगी बच्चा. एक महापुरुष ने कहा. देशी महापुरुष था, पांचवी का क्या होगा? धन्यवाद मेरी उंगली बचाने के लिए. बापुरे बापुरे, टेंशन मत ले. लघु शंका दीर्घ शंका सब निपटा लो. लघु शंका दीर्घ शंका, इसका अर्थ क्या है?
आपको कविताएं लिखने का शौक है ना, फिर भी आपको इन दोनों बातों का मतलब नहीं पता। लघु शंका का मतलब है एक ना 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 देशी नारी अजंता की मूरत, क्या कहने इसके, अंग अंग में देशी सौंदर्य झलक। बिल्कुल गलत, रेस लगाने को तैयार एक अरब की हरी भरी घोड़ी लग रही है, मुझे ये चाहिए भैया। अगर भीगी साड़ी में आ जाए तो मजा आ जाए। रहो, एक नारी को देखा नहीं कि हो 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 धुआं निकलने लगता है, निर्लज्ज ठरकी कहीं के। यहाँ भी आ गई, एक पल भी मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। डांटती क्यों डार्लिंग, वर्ल्ड बैंक के कर्ज की तरह दिन ब दिन मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है, और तुम्हारा लव अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी की तरह रोज रोज घटता जा रहा है। तुम्हारे बिना और जी नहीं पाऊंगी। अंकल झटका लगा, सॉरी, जोर का तो नहीं लगा ना। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं जा रही हूँ खुदकुशी करने, पास में रेलवे ट्रैक है क्या? रोइए मत प्लीज, विजय को मैं समझाता हूँ, आप हिम्मत रखिए। दोस्त, तुम्हारी मंगेतर हमारी मेहमान है, ओए मेहमान को अंदर ले जाओ। अंदर ले जाने की क्या आवश्यकता है, ये मेरी बेटी के कमरे में रह सकती है, ठीक है ना? अंदर आइए। आइए, इसे कहते हैं देशी हरियाली। अंकल ये कौन है, इतना भड़क क्यों रहे हो? ये मंगेतर है गोपी जुआरी की। नमस्ते। नमस्ते बेटी कुशल कुमारी, कुशल कुमारी कन्याकुमारी, ये सुंदर नारी तुम्हारे साथ रहेगी। वेनिला आइसक्रीम पे ब्लूबेरी टॉपिंग, मैं भी तो ब्राउनी हूँ। तुम भी स्ट्रॉबेरी हो, नाइस ड्रेस। थैंक यू। इस देशी रबड़ी को अपने कमरे में ले जाओ, संभाल के, बहुत नाजुक है। बापूरे, इस लड़की को क्या? इस लड़की को अपनी बेटी के कमरे में अकेले मत भेजो। ओ देवी जी, ये क्या है, नियम और शर्तें लागू मत कीजिए मुझ पर। अपना मुंह बंद रखो, मुझे भी आता है। अंकल इसकी एक गंदी आदत है, बगल में सोए इंसान पर पैर रखकर सोती है। तो उससे क्या होता है, अरे दोनों महिलाएं तो हैं, दोनों साथ सोने से क्या समस्या होगी, एक दूसरे पर पैर रखे हैं हाथ, तुम्हें क्या? अरे अंकल चुप कर, बुलाए का जाके छोक लगा, तुम चलो अपने कमरे में। बापुरे, 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 अरे गले की सीढ़ी अटक गई क्या? जैसे दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, गया गोल्डन चांस, उसी तरह दो स्त्रियां एक कमरे में नहीं रुक सकती, वास्तु दोष लगता है। सारा ज्ञान का भंडार तुम्हारे पास, ज्ञान के मोती यहाँ वहाँ बिखरे हैं, उन्हें चुग लो, भेजे में ठूस लो, बात करते हो, फोन में भी दो सिम रहते हैं, तो ये दोनों साथ रही तो क्या हुआ, चले आते हैं मुंह उठा के राय देने, चलो निकलो यहाँ से, जाओ उठो, अपनी बेटी का भला बुरा जानता हूँ मैं। देवी तुम हो आदर्श नारी, देशी संस्कृति से भरी, मेरी बेटी को भी बना देना संस्कारी। सेंचुरी होने वाली है। सेंचुरी होने वाली है भाई, मुझसे नहीं होगा। तू गिनते रह। मोहिनी की झलक पाने के लिए हमें टॉर्चर कर रहा है। रंगोली बहुत अच्छी है। थैंक यू, तुम्हारे डोले शोले भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठाया डैड? शुभ प्रभात दिखाने, शुभ भारतीय नारी के दर्शन कराने, ये पूजा से अपना दिन शुरू करती है। क्या भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वो एक बेल की तरह उस पिलर के चक्कर क्यों लगा रही वो है? वो तुलसी माता की परिक्रमा कर रही है। ओके, यू मीन मेरी गो राउंड, राइट? नहीं तेरी, मेरे टूटे भाग फूटे करम। चलो तुम अंदर जाओ। बाय। देखो कितनी संस्कारी है, तुम्हें भी इनसे संस्कार सीखने चाहिए। आज कोई विशेष पूजा हो रही है? आज गुरुवार है ना, एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए गुरुवार खास दिन होता है। लेकिन आज तो शुक्रवार है।
मुझे पता है, मैं शुक्रवार से ही अगले गुरुवार तक की पूजा की शुरुआत कर देती हूँ। सुन के हृदय को संतोष हुआ। आज शैम्पू और कंडीशनर से नहाने के बजाय हल्दी और चंदन लगाकर मेरी बेटी को नहलाना। ये हल्दी का बात क्या होता है डैड? कितना अज्ञान है। एक तरह की आयुर्वेदिक पद्धति है। सबसे पहले पूरे शरीर पर हल्दी चंदन का लेप लगाते हैं, फिर दूध और जल से नहलाते हैं। वाओ, साउंड्स इंटरेस्टिंग। तुम अपने हाथों से मुझे नहलाओगी? हाँ, अवश्य अवश्य। हल्दी चंदन दूध से नहलाने के बाद इसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लगाना मत भूलना। क्या बकवास कर रहा है? एक्चुअली बाथरूम सेफ नहीं है, इसलिए मत नहाइए। क्या सेफ सेफ? उस दिन कह रहे थे कि बेडरूम सेफ नहीं है, आज कहते हो बाथरूम सेफ नहीं है। असल बात क्या है, सेफ सेफ बताओ। बापू रे सर, बात की गहराई को समझिए। टूथपेस्ट को दबाओ, पेस्ट निकलेगा। फिर उसे वापस डालना चाहो, जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। ट्यूब दबाऊंगा तो क्या निकलेगा? पेस्ट। वापस अंदर डालना चाहो तो क्या होगा? नहीं जाएगा। लेकिन उसे अंदर क्यों डालूंगा? ब्रश नहीं कर लूंगा। गेट लॉस्ट। इतना काफी है या और कुछ चाहिए? काफी है। ओके, शैल वी स्टार्ट? हे प्यार हो गया, क्या लड़की है, क्या लगती है। बहुत एक्टिंग कर ली, अब चल। कहाँ ले जा रहे हो? प्लान करना है। अजय, अपने मकसद को भुला के किस चक्कर में पड़ गए? पापा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उस लड़की को देखकर भाग गया। सब लोग समझ गए ना, हम में से हर कोई अपना किरदार ठीक से निभाएगा। बेस्ट ऑफ लक। साले साहब, साले साहब, साले साहब, कौन है? कौन है वहाँ? ए, कहाँ छुप गए? यहाँ कोई है साले साहब? ए, कौन बात कर रहा था? कहाँ है? क्या हुआ बे? साहब, साले साहब, साले साहब। क्या हुआ? अबे भौंक क्यों रहा है? कुत्ते की आत्मा घुस गई है क्या? यहाँ कोई है साले साहब? मैंने किसी को बात करते हुए सुना, पर जब मैं यहाँ देखने आया तो कोई दिखाई नहीं दिया। जाके ढूंढो साहब। ढूंढो उसे। ढूंढो जल्दी। देखो उधर छुपा होगा। उसका अंदर देख। लेकिन मैंने खुद देखा था, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है बाबा, कहीं नहीं मिला। नहीं है भाई। गधा कहीं का, सबकी नींद खराब कर दी। फिर से उल्लू बनाया तो जिंदा दफना दूंगा। इस काली रात में कोई काली बात है क्या सर? आधी रात को सबको जगा के नींद खराब कर दी। यहाँ पर अवश्य कोई बिरयानी पक रही है। वो हैदराबादी है या सिंगापुरी, मैं पता लगा के रहूंगा। ब्रो, लगता है इसके गले में चेन डालनी पड़ेगी। हाँ, ये सांड काबू से बाहर हो गया है, इसे लगाम लगाना ही पड़ेगा। इसका इलाज शुरू कर दो। और मैंने 500, इतना ही नहीं, मैंने लेट के भी 200 परिक्रमाएं लगाई। अरे क्या हुआ, परेशानी है क्या? 7.5 फुट ऊंची कमान 4.5 फुट के आदमी से कैसे टकरा सकती है? मौत अपने जिद पे आ जाए तो जिसे मारना है उसे मारे बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती। चुनाव जीतने तक नेता जनता की जान नहीं छोड़ते, ये सुना है? ये मौत जिद पर आ जाए, ये कहाँ से निकाला? विनाश काले विपरीत बुद्धि, योर बैड टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मौत का ग्रह लग्न से डायरेक्टली 8वें घर में गोचर हुआ है। ये घर का स्थानांतरण अच्छी बात है या बुरी बात? सारे निकम्मे मुझ पर ज्ञान थोपने आ गए। ये तेरे सिक्स पैक मेरे फैमिली पैक के सामने कुछ नहीं है। अरे बाप रे, जो बजरंग बली बना दे मुझे खली। जब बजरंग बली बना दे। बचाओ, ओ बचाओ, मम्मी बचाओ, बजरंग बली टूट गई, मेरी हड्डी पसली है। मम्मी, मेरी हड्डियों का भरता बन गया, भुर्जी बन गई है। तुम्हारे दिन बुरे आ गए हैं, ये 200 किलो है, सच में भुर्जी बन जाती। बाप रे, सुबह दरवाजे की कमान सिर पे गिरी, अब ये 200 किलो माजरा क्या है? मौत जिद पे आ जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ती बच्चा। जगत के सबसे बड़े स्वामी महाप्रभु, महासंत महंत, मेरी नादानियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या समस्या है बापू रे? आपने कहा था कि मौत मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारने की जिद पर अड़ी है, मुझे हैदराबादी बिरयानी समझ के डिनर में खाना चाहती है। स्वामी की भविष्यवाणी पे विश्वास करते हो या नहीं? 110% करता हूँ। मृत्यु मेरा पीछा छोड़ दे, इसके लिए क्या करूँ स्वामी?
उपग्रह। गुरुजी, जी समझ गया जी। आपने क्या कहा गुरुजी? और इसने क्या कहा, क्या समझा? अगर हो सके तो मुझे भी समझाइए। आंखें बंद करो। लीजिए, कर ली। ये क्या है स्वामी? ये सत्य की अग्नि है बच्चा। हाँ। काशी जाके अपने पितरों का पिंड दान करो, फिर तो जीवन में शांति आ जाएगी। अगर मौत से बचना है तो सत्य की अग्नि के समक्ष मेरे सवालों का सही सही जवाब दो बच्चा। मौत यूटर्न ले लेगी। तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सनी लियोनी। रॉन्ग आंसर। मेरा देश। ऐसा राज बताओ जो बताया ना होगा दे। अब मैं आपका अर्थ समझा, बताता हूँ। लंबी लंबी छोड़ना है। अगर लंबी उम्र तक अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है तो आज से और अभी से ये झूठ बोलना बंद कर दे। सिर्फ आज के लिए ना? नहीं, 14 दिनों तक, 14 घंटों तक, 14 मिनट तक, 14 सेकंड तक एक भी झूठ मत बोलना। अगर किसी की बुराई ना करूं तो पेट में पित्त होने लगता है। मेरी वायु समस्या का निवारण कीजिए स्वामी। तेरी गैस की समस्या का इलाज है मेरे पास, इधर आ जा। दीजिए जल्दी। गैस का स्टोव देखा है ना? उसके ऊपर जाके बैठा। भाई, एक सरकारी अफसर अपनी माइंस की कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी कर रहा है। उसे पापा का नाम नहीं बताया? वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगली बार अगर वो कुछ बोले तो उसे काट देना। अजय, सही वक्त आ गया है कजा को अपने हुस्न के जलवे दिखा के अपने जाल में फंसाने का। ये हॉट कॉफी ले जाओ और उसका हीटर ऑन कर। फेरों से ठीक पहले गजा को अपनी बाहों में कैद करके रखना होगा। उसके बाद क्या करना है अपन जानता है। गजा जी, कॉफी। अरे मगर तुम क्यों लेकर आई हो? घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, इसीलिए मैं ही ले आई। ठीक है, टेबल पे रख दो। हाँ। लुखे ने तो ध्यान ही नहीं दिया। ओए माँ, यो छिपकली, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अरे गजा, ये छिपकली देखकर डर गई। मुझे दूध वाली कॉफी नहीं पिलाओगी? अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठहर के मोहिनी, यहाँ रख दो। छिपकली, छिपकली, छिपकली से तुम्हें डर लगता है ना? अरे हाँ, छिपकली से डर लगता है। क्या कर रहे हो? अभी ये भी कॉफी ना मांग ले। मुझे कॉफी नहीं मिलेगी। अभी लेके आती हूँ कॉफी। ला लो लो, थैंक यू मम्मी। चुपकली, चुपकली, छोड़िए, 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 छोड़िए ना, मुझे छोड़ के मत जाओ। चुपकली, ये औरतों वाली फीलिंग कब से आने लगी? इसे नहीं, 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 पहले नाखून निकाल तो। अजय अजय, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पापा, ये रोल मुझसे नहीं होगा। आपने एक आदमी को लुभाने को कहा था, यहाँ पे तो बोनस में दो दो ठरकी मेरे पीछे पड़ गए। और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तीनों भाइयों से सैंडविच मसाज नहीं करवाना चाहता। अजय आराम से बेटा, महाभारत का कीचक अध्याय शुरू हो चुका है। वो क्या है? विजय, महाभारत में कीचक नाम का दुष्ट विलेन था, लेकिन यहाँ पर तीन तीन कीचक हैं। गोली एक, आदमी तीन। तीन आदमी, मैं उनको जेल लेने वाला हूँ। अरे 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 अरे, मेरे प्यारे मान भाई, बेटा ना तो करना ही पड़ेगा, प्लान चौपट हो जाएगा। मान बेटी, कुशल कुमारी, कुशल कुमारी, दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ बेटी? छिपकली, छिपकली, तुम भी छिपकली से डरती हो? निकलो, निकलो यहाँ से। क्या तुम कब से छिपकली से डर रही हो? अंकल, मैं डर गई थी छिपकली से। पापा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किस लिए आए हो? मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई दी। हम भी आवाज सुन के यहाँ आए। ओके, बड़ी होके बच्चों की तरह डरती हो? चलो यहाँ से, चलो। अंकल, अगली बार जब अपने बगीचे पर जाए ना, तो
मेरे लिए दर्जन भर बड़े संतरे ले आइएगा। हाँ जरूर ले आऊंगा। बेटी तुम्हें भी चाहिए? हाँ, उसे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम दोनों मिल बांट के खा लोगी? हाँ, दो संतरे अपने पास रख के बाकी उसे पकड़ा दूंगी। इतना बड़ा दिल है इसका, मैं दोपहर तक ले आऊंगा। चलिए चलते हैं, इन्हें खेलने दो। थैंक यू कुकु। इट्स ओके। तुमने हमारी प्रॉब्लम समझ के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। हे देवी माँ, होने वाली बहू को देखने के लिए अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोल भी देगी तो पट्टी में से कैसे देख पाएगी? स्टूपिड। डैड, इज शी गांधारी? शी लुक्स लाइक स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ जस्टिस कोर्ट में होता है। ये उनकी दादी की दादी की परपर दादी है। उस जमाने में आई सर्जरी की फैसिलिटीज नहीं मिलती थी ना। जब आईज का कोई इलाज नहीं हुआ तो एक दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तुम्हारी आंखों पर भी बांध दूंगा। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं ग्रहराज जी? मुझे विवाहित जीवन का सुख नहीं मिलेगा। ग्रहों में लिखा, मैं क्या करूं? आप एकदम सही कह रहे हैं। आई अप्रिशिएट दिस। कब से इसे यही बात समझा रहा हूँ। इस जन्म में मैं इसके बच्चों की माँ नहीं बन पाऊंगी तो हनीमून का क्या फायदा? दो चीजें अवश्य होंगी। किसके साथ? हर हर महादेव शंभु शंकर। मेरा एंटेना कहता है कि तुम ऐसे घर की बहू बनोगी जहाँ एक छत के नीचे तीन भाई रहे। तीनों भाई से शादी होगी? तीन नहीं, एक से। मुझसे ही होगी। आरती संपन्न हो चुकी है, पूजा शुरू करते हैं। माता का नक्षत्र मूल नक्षत्र है। जिसका भी मूल नक्षत्र है कृपया आगे आ जाए, मूल नक्षत्र का जो भी हो। मुंडी इधर घुमाइए स्वामी, आपके सामने जो खड़ा है मूल नक्षत्र में ही पैदा हुआ है। बताइए मुझसे क्या करवाना है। आज पता चला न्याय देवता को कैसा लगता होगा। सुनिए, माता की तरह ये भी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए आपको जो भी माता से कहना हो इनसे कहिए। साक्षात माता इनके कानों से आपकी बात सुनेंगी। तुम हमारे घर की बहू बनोगी, पहले तुम जाओ। देवी माता, ये शादी रुकवा दो। शादी करनी तो है पर अपने लवर से। आपको ये काम करना ही होगा। शादी रुकवाना चाहती है, लवेरिया है। तुम हमारे मेहमान हो, अब तुम जाओ। हनी जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी करवा दो। इसे कैसे पता कि हनी किसी और से प्यार करती है? थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। पांडवपुरम की लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए। क्या हलवा है क्या? वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है। माता, मोहिनी का मिलन मुझसे करवा दो। इस दिल के अंदर जो तूफान उठाए उसे किनारा मिल जाएगा। गंदी सोच, किसी और की गर्लफ्रेंड पर नजर। मैं जानता हूँ भाई ने क्या मांगा होगा। अगर उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें 2000 के 6 नए नोट दूंगा। बस ये देसी रबड़ी एक बार मुझे टेस्ट करा दो। अरे मोहिनी कोई लकी ड्रॉ है जिसे हर कोई जीतना चाहता है? ठरकी कहीं के। मैं मोहिनी। ओह, तुम्हारी भी कोई इच्छा है? माता, आशीर्वाद दीजिए कि कुशल कुमारी मेरे होने वाले बच्चों की माँ बन जाए। कुशल कुमारी मोहिनी के बच्चों की माँ? लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। इतने सारे लोगों में मुझे ही मून नक्षत्र में क्यों पैदा होना था? कांधारी माता, मैं कुकू हूँ। तुम्हें भी कुछ कूकना है? हाँ, पापा को ट्रेडिशन से प्यार है। वो मेरी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, पर मुझे किसी से प्यार है और उसी से शादी करनी है। ओहो, चलो अगला। अगला कौन है पगला? जय माता की। समझ गया बको। मेरी जिंदगी पूरी बेस्वाद हो चुकी है। अंदर की बात बताऊं, मुझे सत्या के हुस्न का जाम पीना है, बस एक बार, प्लीज। मुझता हुआ दिया टिमटिमा रहा है। साले साहब, पहली वाली रिक्वेस्ट माता जी के लिए थी, अब कान खोल के सुन। अगर किसी को भी एक शब्द कहा तो तेरी जिंदगी का दिया बुझा दूंगा। जय माता की। जय माता दी। इस हैवान का नारियल फोड़ दो। जय माता दी। ओफ, घोर कलयुग है। बताया तो बम से उड़ा देंगे, नहीं बताया तो पेट बम की तरह फट जाएगा। अब और कोई चारा नहीं है। साले साहब, मिनिस्टर से मिलने मैं अपने गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। मैं उन्हें कैश और शादी का कार्ड देने जा रहा हूँ। घर का ख्याल रखना, चलता हूँ। किसका ख्याल रखूँ? यहाँ तो सब एक दूसरे का कुछ